अकॉर्डिंग टू मी ये प्राइसी है, पॉकेट फ्रेंडली बजट फ्रेंडली होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वीर आवे। कैसे हैं आप सब लोग? आज के वीडियो में हम निशो खान के न्यूली लॉन्च मेकअप ब्रांड की लिपस्टिक्स का करेंगे रिव्यू, और इनके मेकअप ब्रांड का नाम है हाइस। ओके जी, आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, रियली प्रीटी ब्यूटिफुल बॉक्स। और इसके अंदर ये मैंने उल्टा डाल दिया, ये हैं जी लिपस्टिक्स। मैंने पैशनेट पिंक ऑर्डर की थी, ठीक है। इसके अंदर पाउच है और इसके अंदर फोर लिपस्टिक्स हैं, ठीक है। बॉक्स पाउच दोनों ही यूजफुल हैं। खाइस बाय एनके मेड इन चाइना है और इन लिपस्टिक्स की एक्सपायरी 1 साल की है। ट्रांसपेरेंट पाउच में बहुत ही क्यूट डिसेंट सी लगती हैं और पर्सनली इनकी पैकिंग मुझे बहुत पसंद आई है। आप इनको स्टैंडिंग पोजिशन में अपनी वैनिटी पर रख सकते हैं। बिफोर रिव्यूइंग दिस लिपस्टिक्स आई मस्ट से कि जब मुझे सही से यूट्यूब चैनल्स के बारे में पता भी नहीं था, तो तब निशो खान वो वाहिद पाकिस्तानी यूट्यूबर थी जिनको मैंने देखना स्टार्ट किया था। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि शी इज माई इंस्पिरेशन। प्राउड इसलिए फील करती हूँ क्योंकि मैंने जब भी निशो खान को देखा, मैंने उन्हें हमेशा यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां देखा। मतलब मैंने उन्हें हमेशा इंप्रूव होते हुए, ग्रूम होते हुए देखा। एंड आई रियली बिलीव कि हर गुजरते दिन के साथ वो अपने ब्रांड को भी बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर करती जाएंगी। ओके जी, ब्रांड लॉन्च होती है यहाँ पर, लगी थी सेल फॉर 2 वीक्स विच इज रियली गुड। और सेल में ये लिपस्टिक्स मुझे पड़ी थी 3500 रुपीज में, और घर आते आते ये मुझे 3650 रुपीज में मिली है। और विदाउट सेल ये इनके जो प्राइस है वो 4000 रुपीज है, यानी कि एक लिपस्टिक जो है वो आपको 1000 रुपीज में पड़ती है। बहुत सी लड़कियों को ये इशू है कि 4 की पैकिंग में लिपस्टिक्स नहीं होनी चाहिए थी, सिंगल सिंगल लिपस्टिक्स जो है वो सर्व करनी चाहिए थी, और वैसे ऐसा ही होना चाहिए था। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर इस तरह पैकिंग में लिपस्टिक्स आप देना चाहते थे तो एक लिपस्टिक सेशन न्यूड में से दे देते, एक पैशनेट पिंक में से, एक सेडक्टिव रेड में से, तो इस तरीके से आप पेयर बना के वो दे सकते थे। बाकी अच्छा, ये चारों एक दूसरे से अलग अलग पिंक कलर्स हैं। मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखाती हूँ, यहाँ से आपको शायद सही पता ना चले, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। और ये बहुत खूबसूरत पिंक कलर्स हैं। ये चाहे आपका ब्रिटिश कम्प्लेक्शन है, मीडियम या फेयर कम्प्लेक्शन है, ये आपको विद मेकअप और विदाउट मेकअप बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पर मैंने जो शेड अप्लाई किया है ये है मीना गुल शेड, और इसको अप्लाई किए हुए मुझे पूरा 1 घंटा हो रहा है और इसकी ये कंडीशन है। जैसा कि निशो ने कहा था कि इनकी लिपस्टिक्स क्रैक नहीं करती, तो ये वाकई क्रैक नहीं करती हूँ। मैं इनका नेक्स्ट शेड अप्लाई करती हूँ विच इज चांद गुल, बट बिफोर अप्लाइंग आई मस्ट मॉइस्चराइज माई लिप्स लिप बॉम के साथ, क्योंकि विंटर्स हैं और विंटर्स में आपको पता है हम पानी कम पीते हैं, वैसे ही लिप्स डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं और लिप्स को मॉइस्चराइज करना पड़ता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करती लिप्स को, लेकिन ड्राई करती है। ये जी चांदपुर शेड बहुत खूबसूरत है। अच्छी क्वांटिटी की बात करें ना, तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ये इसके मुकाबले में कद में काफी छोटी है, लेकिन अच्छी खासी मोटी ताजी लिपस्टिक है। मतलब 4.5 ml आपको इस लिपस्टिक में मिल रहा है, तो ये मिनी लिपस्टिक नहीं है, ये आपकी एक भरपूर लिपस्टिक है। इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी है। ये लिपस्टिक्स ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती ऐसा नहीं है। इनके जो 2 लाइट शेड हैं वो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन जो डार्क शेड हैं वो थोड़े बहुत ट्रांसफर होते रहते हैं। अगर आप खाते पीते रहते हो तो लिपस्टिक्स जो है वो ट्रांसफर होती रहती है। जैसे कि निशो ने अपनी वीडियो में कहा था कि आप कोई ऑयली चीज खाते हैं तो लिपस्टिक्स रिमूव हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। आ जाते हैं जब हम नाज गुल की तरफ। इन लिपस्टिक्स की सबसे मजे की बात मुझे ये लगी है कि जब आप इनको अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो ये लिक्विडी सी होती हैं, बड़े मजे से ये अप्लाई होती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद ये ड्राई मैट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसका एप्लीकेटर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। अच्छा, काफी लिपस्टिक्स के मैंने इस तरह के एप्लीकेटर देखे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वो बाजू का लिपस्टिक के अंदर ही टूट जाते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये हो गया जी नाजगुल, और ये शेड भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बाहर छोटे छोटे बच्चों ने रौनक लगाई हुई, खेल रहे हैं, तो उनकी वॉइसेस को प्लीज इग्नोर कीजिए। आप देखें कि ये लिपस्टिक यहाँ पे
मैट हो रही है लेकिन ये क्रैक्स नहीं डाल रही, बहुत कंफर्टेबल और लाइट वेट लिपस्टिक है, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा जी, ये जो तीन लिपस्टिक्स मैंने अप्लाई कर लिया ना, ये मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आई है। बाय द वे मैंने ये जो ब्लश अप्लाई किया ना, ये जो मीना गुल लिपस्टिक मैंने अप्लाई की थी, तो ये ब्लश भी मैंने उसी के साथ अप्लाई किया है। और समर में मैं आपको बता दूं कि ये लिपस्टिक आपका पूरा मेकअप कर सकती है। अच्छा, ये जो मां गुल है ना, ये काफी शोख चंचल है, तो मुझे लाइट शेड ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, जिनकी शादी हो चुकी है ना, तो ये उनके लिए बहुत जबरदस्त है। असर का टाइम होने वाला है और मैं बिल्कुल भी रिंग लाइट यूज नहीं करी, ये बिल्कुल नेचुरल लाइट्स में मैंने आपको ये स्वॉचेस दिखाए हैं। इस शेड में ना मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें शायद ग्लिटरी चंक्स हैं, इसमें थोड़ी शाइन है, लेकिन ये भी खूबसूरत लिपस्टिक है। अच्छा, आप देखेंगे ये लिपस्टिक बिल्कुल ड्राई मैट फॉर्म में आ गई है। जैसे मैंने कहा था कि इनकी डार्क लिपस्टिक्स जो है ये थोड़ा बहुत ट्रांसफर होती हैं। लिपस्टिक काफी लॉन्ग लास्ट है, आई मीन जब तक आप इसको अपने लिप्स से खुद रिमूव नहीं करते, ये रिमूव नहीं होती, 5-6 घंटों तक ये स्टे करती है आपके लिप्स के ऊपर। मेरे लिप्स पे ना कोई भी लिपस्टिक नहीं टिकती, ऑल्दो कि मुझे अपने लिप्स पे जुबान फेरने की भी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं टिकती, लेकिन ये लिपस्टिक स्टे करती है, इट मीन्स कि ये लॉन्ग लास्ट है। मेरी तरफ से ये लिपस्टिक्स बिल्कुल ओके हैं, इनका फॉर्मूला, इनका पिगमेंट, इनका टेक्सचर, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। मेरी तरफ से ये आपको रिकमेंडेड है। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि ये लिपस्टिक्स अकॉर्डिंग टू मी ये प्राइसी है, इनको थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली होना चाहिए था। और दूसरा कि अगर आप इनको सेपरेट ऑफर करें तो ये भी अच्छा है। अगर आप इन लिपस्टिक्स को बाय करते हो, आप ये नहीं कहते कि इसका ये शेड अच्छा नहीं है, वो शेड अच्छा नहीं है, या इसके ऊपर मेरे पैसे वेस्ट हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरी तरफ से निशु खान को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।